सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और आज हम हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि जैसे जो छंद होता है, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, उसी प्रकार जो रस होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या फिर गहने। ठीक है, तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद या निचोड़। ठीक है, आनंद या निचोड़। किसी भी कहानी को पढ़ने, सुनने या किसी भी नाटक को देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा रस की जो बेसिक परिभाषा ये है ना, अब रस के पिता किसे कहा जाता है? रस के पिता भरत मुनि को कहा जाता है। भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र से सबसे पहले रस की बारे में पता चला, इसलिए रस का पिता भरत मुनि को माना जाता है। जो भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी वो क्या है? बोला इन्होंने कि विभव अनुभव संचारी भाव के सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने बहुत अच्छा वाक्य बोला है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जो कुछ मैं बता रहा हूँ सब कुछ लिखा हुआ है, मैं बाद में आपको समझा दूंगा, पहले बोलता जा रहा हूँ। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। यदि पूछा जाए कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम या फिर रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये किसने बोला? तो ये बोला है आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो रस के पिता भरत मुनि है, इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले भरत मुनि ने रसों की संख्या बताई थी 8। कौन कौन से रस थे? देखो, श्रृंगार, करुण, अद्भुत, वीर, रौद्र, विभत्स और इसके बाद भयानक, हास। इस प्रकार की जो 8 रस इन्होंने बताए थे। इसके बाद एक गुरु आए जिनका नाम था जगन्नाथ। तो जगन्नाथ ने बोला इनके अलावा एक रस और है। उन्होंने सबने पूछा कौन सा? बोले शांत रस। तो सब लोगों ने बोला कि शांत तो अवस्था में तो नॉर्मल कोई व्यक्ति हर कोई रहता है। अभी आप लोग देख रहे हो शांत और नॉर्मल, ना आपको हंसी आ रही है, ना आपको क्रोध आ रहा है, ना ही आपको कोई विस्मय हो रहा है ना। तो नॉर्मल अवस्था में जो आदमी रहता है शांति तो रहता है। तो उन्होंने बोला मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस शांत रस को बोल रहा हूँ जब इंसान को बिल्कुल वैराग्य का भाव जागृत होता है इंसान के हृदय में। जैसे किसी को जलते हुए देख लिया, किसी की मृत्यु होते हुए देख लिया, तो लगता है कि संसार में कुछ ही नहीं है, दुनिया में हर चीज मरणशील है, नश्वर है ना। तो जब हृदय में एकदम वैराग्य का भाव जो होता है, तब जो इंसान शांत अवस्था में चला जाता है, तभी जब इंसान शांत अवस्था में जाता है तभी उसके दिल में, उसके दिमाग में जो वैराग्य का भाव आता है, तो उस शांत की बात कर रहा हूँ। तो सबने इसकी, इनके शांत रस को भी मान्यता मिल गई और इसके बाद हो गए 9 रस। तो नवा रस कौन सा था? शांत रस। किसने इसको मान्यता दिलवाई? जगन्नाथ ने, है ना। इसके बाद दूसरे का भी आए साहित्यकार जो थे, उनका नाम था विश्वनाथ। तो विश्वनाथ ने बोला एक वात्सल रस भी है, इसको 10वें रस के रूप में मान्यता दो। तो सबने बोला कैसे वात्सल रस? बोले बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है जागृत हमारे दिल में, हमारे मन में, किसी भी बच्चे को देखते हैं उसको देख के जो मन में एक प्रेम का भाव जागृत होता है, तो वो भी तो एक रस है, तो उसको भी नाम दिया जाना चाहिए और साहित्य में स्थान मिलना चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल सही है, आपको 10 के रूप में मान्यता, 10वें रस के रूप में मान्यता किसे मिली? वात्सल रस को। और मान्यता दिलाने वाले कौन है? विश्वनाथ। इसके बाद रूप गोस्वामी थे, एक रूप गोस्वामी बोले मधुर रस भी एक होता है। तो सबने बोला चलो प्रूव करो क्या है मधुर रस। बोले मधुर रस मतलब जो ईश्वर के प्रति हमें प्रेम, ईश्वर के प्रति भी तो प्रेम जागृत होता है ना। तो बोले जैसे किसी नायक के मन में नायिका को देख के जो प्रेम जागृत होता है उसको आपने श्रृंगार रस बोल दिया, और जो बच्चों के प्रति, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को देखकर जो प्रेम जागृत होता है उसको आपने वात्सल रस बोल दिया। तो भगवान के प्रति भी तो हमारे दिल में प्रेम है, उसको भी तो कोई नाम दो, इसलिए उसको मैंने बोले मधुर रस नाम दिया। तो मधुर रस को मान्यता मधुर रस के रूप में नहीं मिली साहित्य में, उसको मान्यता मिली भक्ति रस के रूप में। तो रूप गोस्वामी ने मधुर रस के बारे में बताया तो उसको मान्यता मिल गई, लेकिन किस रस के रूप में? भक्ति रस के रूप में, है ना। इस प्रकार रस टोटल हो गए 11, है ना।
यदि पूछा जाए कि रूप गोस्वामी ने कौन से रस को मान्यता दिलवाई तो मधुर रस या फिर भक्ति रस है ना, जो भी 11 रस था। इसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि 14 रस होते हैं, तो यदि पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो 14 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रस के अंग के बारे में। रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी इंसान हो, उसके हृदय में, उसके मन में बहुत सारे स्थायी भाव रहते हैं। और स्थायी भाव का मतलब होता है ऐसे भाव जो स्थायी रहते हैं। तो किसी भी बच्चे के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक, उसकी मृत्यु पर्यंत बने रहने वाले भाव कहलाते हैं स्थायी भाव। मतलब किसी भी इंसान का जन्म हुआ, जन्म से लेके मृत्यु तक बने रहते हैं, ऐसे भाव को क्या कहा जाता है? स्थायी भाव। लेकिन ये साधारणता कैसे रहते हैं? सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। अभी आपके अंदर भी बहुत सारे भाव हैं, लेकिन वो कैसे हैं? सोए हुए हैं। लेकिन जब आपके सामने उपर्युक्त घटना सामने आ जाती है, चाहे वो अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, हंसे की घटना हो, कुछ भी हो, जैसी घटना हमारे सामने आती है, वैसा भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है। आप खुद सोचिए, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आप जा रहे हो, एकदम आप देखते हो कि कहीं किसी बस में एकदम बम फट गया, कोई बहुत सारे लोग मर गए, तो आपका मन एकदम उदास हो जाएगा, आपको बहुत सैडनेस फील होगी। तो आपके अंदर भाव तो पहले से था, वो दुख का भाव आया कहाँ से? भाव पहले से था, लेकिन वो सोया हुआ था। सारे भाव हैं आपके अंदर अभी भी, लेकिन सारे सो रहे हैं। सामने जैसी घटना आती है, वैसे ही उसी घटना के अनुसार भाव जागृत हो जाता है। तो आपने दुख की घटना देखी, आपका कौन सा भाव जागृत होगा? शोक का भाव जागृत हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, है ना? तो स्थायी भाव कौन सा जागृत होगा? शोक। जब शोक रस का जो करुण रस का स्थायी भाव होता है, शोक, जब शोक नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो आप किस रस में चले जाएंगे? करुण रस में, है ना? जागृत होता है स्थायी भाव, फिर वो रस का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आप कहीं जा रहे है ना, और आप बाइक से हो, रास्ते में आपकी बाइक एकदम बंद हो जाती है, घना जंगल है वहां पे, वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, और आप देखते हो कि दो शेर आगे से, दो शेर पीछे से आ रहा है नॉर्मल अवस्था में, है ना? तो आप किस में चले जाओगे? आपको भय होगा। आपकी देखो उस टाइम पे भी आपके अंदर सारे भाव थे, लेकिन ऐसी कंडीशन हुई तो आपके अंदर से जैसी घटना थी वैसा भाव जागृत हो गया। कौन सा भाव जागृत होगा? भय का। और भय का जो भाव, जो स्थायी भाव जागृत हुआ आपके अंदर, अब वो किसका रूप ले लेगा? भयानक रस का रूप ले लेगा, है ना? इस प्रकार तो जागृत होता है स्थायी भाव, लेकिन वो विभाव, अनुभव, संचारी भाव में मिलकर किसका रूप ले लेता है? रस का रूप ले लेता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप कहीं जा रहे हो, है ना, आपने कुछ हंसी का दृश्य देख लिया, आपको देख के हंसी आने लगती है, तो हास रस उत्पन्न हो जाता है ना? इस प्रकार ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो बस आपको बहुत बेसिक है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस थोड़ा इनको समझने की कोशिश करो, है ना? तो स्थायी भाव समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं विभाव की। तो विभाव में दो चीजें होती है, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। विभाव होते हैं दो प्रकार के। आलंबन विभाव जो होता है उसमें भी दो होते हैं, आश्रय विषय। देखते जाओ यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ विभाव में क्या है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, और आलंबन विभाव में क्या क्या है? आश्रय विषय। आश्रय क्या होता है? आश्रय वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर भाव जागृत होते हैं। यदि आपने कोई घटना देखी, आपके अंदर कोई भाव जागृत होगा, तो आप आश्रय हो। ठीक है, और विषय क्या होते हैं? विषय वो होते हैं जिन विषयों को देखकर, जिन चीजों को देखकर, जिन दृश्यों को देखकर भाव जागृत होता है। कोई भी घटना जिसको देखकर हमारे अंदर भाव जागृत हुआ है वो कहलाएगा विषय, और जिसके अंदर भाव जागृत हुआ वो कहलाएगा आश्रय। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है। ये हर किसी को समझ नहीं आता, इसको समझने की कोशिश करो। देखो विभाव के अंदर आलंबन विभाव भी होता है और उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन विभाव तो समझ में आ गया, आलंबन विभाव में एक तो होता है आश्रय, दूसरा होता है विषय। आश्रय वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर भाव जागृत होता है, विषय वो परिस्थिति, वो घटना जिसके कारण भाव जागृत होता है, विषय कहलाती है। अब उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? उद्दीपन विभाव में ऐसी घटनाएं जो उत्पन्न हुए भाव को और अधिक बढ़ा देती हैं। जैसे हमने पढ़ी होगी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। वैसे समझो इसको, उद्दीपन विभाव ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपके अंदर उत्पन्न हुए भाव को और अधिक बढ़ा देती है। जैसे कि मैंने अभी स्टोरी बताई थी कि आप कहाँ हो, आपकी गाड़ी खराब हो जाती है बीच जंगल में, दो शेर आपको आते हुए दिखाई देते हैं, तो आपके अंदर भाव जागृत हो गया। ठीक है, अब उस भाव को जगाने का काम कौन कर रहे हैं? सपोज करो वो शेर गर्जना करते हुए एकदम आ रहे हैं, तो शेर की जो गर्जना है वो आपके अंदर जागृत हुए भाव को और अधिक बढ़ा देगी।
लेकिन यदि शेर समझ करो आ रहे नॉर्मल बिल्कुल आलस में डूबे हुए आ रहे हैं, कुछ लग रहा है कि नहीं बोलेंगे आपसे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहे, आपके बगल से निकलते जा रहे धीमे धीमे, है ना, तो वो भाव तो जागृत हो जाएगा शेर को देख के, लेकिन वो एकदम बढ़ाने का कार्य नहीं करेगा, है ना। तो जो वो सारी घटना है जो उस भाव को, जो भी भाव जागृत हुआ उसको एकदम बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाती है, उद्दीपन भाव, है ना, ठीक है। तो ऐसे भाव को कहलाते हैं उद्दीपन भाव। तो वो सारी घटनाएं होती हैं जो भाव को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर देती हैं, वो सब होते हैं उद्दीपन भाव, ठीक है। जैसे एक नायक के लिए, नायक किसी नायिका से बहुत प्रेम करता है, सामने से सपोज करो कोई नायिका है जिससे प्रेम करता है, वो उसे दिख जाती है, लेकिन अब उसके अंदर प्रेम का भाव जागृत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, सपोज करो कि मौसम बहुत अच्छा है, है ना, जहां पे उसे अपनी नायिका मिली, नायक को वहां पे मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, इस टाइप का अगर पर्यावरण है तो ये सारी चीजें और अधिक प्रेम को बढ़ा देगी। तो ये सारी घटनाएं प्राकृतिक रूप से जितनी भी चीजें हैं सब ये क्या कहलाएंगी, ये उद्दीपन भाव कहलाएंगी। लेकिन सपोज करो धूप निकली है ना, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पसीना निकल रहा है, इस टाइम से अगर जी ये कंडीशन है, ये प्रेम के भाव को बढ़ाने का कार्य नहीं करेगी, है ना, इसलिए ये उद्दीपन भाव नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद करते हैं अनुभव। अब देखो आपके अंदर बहुत जागृत हो गया, उसको बढ़ाने का काम किसने कर दिया, उद्दीपन भाव ने। अब आपके अंदर जब बहुत जागृत हो जाएगा अच्छे से, चाहे वो भय का भाव हो, चाहे क्रोध का भाव हो, चाहे उत्साह का भाव हो, कोई भी भाव हो, चाहे हास्य का भाव हो, चाहे है ना शोक का भाव हो, जो भी भाव आपके अंदर जागृत हुआ है, इसके अंदर क्या होगा, अनुभव क्या होते हैं कि शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। अब आपके अंदर जब भाव जागृत हो जाता है तो क्या कर रहे हो, हाथों से क्या कर रहे हो, आंख से क्या कर रहे हो, है ना, मन से क्या कर रहे हो, तो ये चार प्रकार के होते हैं, कायिक मानसिक वाचिक आहार। तो कायिक अनुभव क्या होता है कि जब भाव जागृत आपके अंदर हो गया तो काया से आप क्या फील कर रहे हो, है ना, आपके हाथ कांप रहा है, ऐसे भय का भाव जागृत होने के बाद आपके हाथ कांपना, हाथों का कांपना, या क्रोध के भाव जागृत होने के बाद आंखों का लाल होना, शारीरिक चेष्टाएं जितनी भी है, जो भी भाव जागृत हुआ उसके अनुसार कोई ना कोई शारीरिक चेष्टा होगी। तो काया के द्वारा जो शारीरिक चेष्टा हो रही है उसे बोलेंगे कायिक अनुभव। आपके मन में क्या चल रहा है, जैसे क्रोध का भाव जागृत हो रहा है तो आपके मन में जो भी चल रहा है वो मानसिक अनुभव कहलाएगा, उसे मन में चल रहा है कि इसको मारूं कि नहीं, यदि क्रोध का भाव है। यदि भय का भाव जागृत हो गया सिर को देख के, तो आपके मन में कुछ ना कुछ चलेगा उस टाइम पे कि यहाँ से भाग जाऊं या रुकूं, यदि भागूंगा तो ये पीछा न कर ले, यदि रुकता हूं तो ये खा ना ले मुझे यहाँ पे सिर जो है, इस टाइप से कोई कुछ भी आपके मन में भाव चल रहा है, सारे के सारे मानसिक अनुभव कहलाते हैं। इसके बाद बाइक मतलब होता है बाणी से, बड़बड़ा रहे हो आप, है ना, बाणी से जब ज्यादा भय जागृत हो गया तो आपके मुंह से अलग से अपने आप, है ना, जो बड़बड़ाने की आवाज आ रही है, तो वाणी से आप जो भी उस टाइम पे भय का भाव जागृत हो जाए, इसके बाद वाणी से जो भी आपका हो रहा है वो सब क्या हो जाएगा, वाणी अनुभव। और आहार का मतलब होता है वेशभूषा से, कि आपकी वेशभूषा क्या है, आंखों से अश्रु निकल रहे, है ना, हाथ पर पैर कांप रहे, इस टाइप की जो होती है पूरी वेशभूषा से जो भी अनुभव हो रहा है वो कहलाएगा आहार, है ना, आहार अनुभव। इस प्रकार कहीं कहीं 8-9 प्रकार के भेद अनुभव, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता कि अनुभव के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जरूर आ सकता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, विभव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इतना याद रखना, इन सबसे मिलकर ही रस बनता है, ठीक है। अब लास्ट होता है संचारी भाव, इसको देखो। सबसे पहले मैंने बताया था कि रस के पिता भरत मुनि को माना जाता है, इसलिए भरत मुनि के अनुसार रस संचारी भाव की संख्या 33 है, याद रखना, संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव को कहा जाता है संचरण करने वाले भाव या फिर अस्थाई भाव, है ना, ऐसे भाव जो मनुष्य के हृदय में कुछ समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव की सहायता करके चले जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्थायी भाव की सहायता करना। वास्तव में होता क्या है, जो संचारी भाव है इनको मन के भाव कहा जाता है। मन बड़ा संवेदनशील होता है, आप सभी लोग जानते हो, मन होता है संवेदनशील और संवेदनाओं की संख्या तो असंख्य होती है ना। लेकिन भरत मुनि ने कुछ इस प्रकार, जो संवेदनाओं की संख्या असंख्य होती है तो संचारी भाव की संख्या भी असंख्य होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 बताई, है ना, इसलिए अगर कभी पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है तो आपको बोलना है 33, ठीक है। इस प्रकार हमारे सारे अंग हो गए इसमें। अब हम रस की बात करते हैं, जो भरत मुनि ने 8 रस बताए थे कौन कौन से थे, श्रृंगार यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं बताऊंगा, श्रृंगार, करुण, अद्भुत, है ना, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक, हास। अब ये कैसे याद करना है आपको, देखो यहाँ पे इनकी स्थायी भाव जरूर आते हैं, ठीक है। तो देखो
श्रृंगार करुण अद्भुत, मतलब कोई व्यक्ति करुण, मतलब करुण का मतलब होता है दुखी अवस्था में रो रहा है। यदि कोई व्यक्ति दुखी अवस्था में तो क्या वो श्रृंगार कर सकता है? नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति रोते हुए श्रृंगार कर रहा है तो आपके लिए बहुत विस्मय वाली बात होगी कि बताओ ये रोते हुए श्रृंगार कर रहा है, रोएगा तभी श्रृंगार की कैसे याद आ सकती है किसी को। तो याद रखना है करुण श्रृंगार अद्भुत। इसके बाद देखो भयानक हास, यदि कोई व्यक्ति भय में है, बहुत भय, डर गया, उसे कुछ भी दिख गया ऐसा जो है ना भयानक है, तो क्या वो हंस सकता है? नहीं। तो रोता हुआ व्यक्ति कभी श्रृंगार नहीं कर सकता, अगर श्रृंगार करता है तो बहुत अद्भुत वाली बात है, आश्चर्य की बात है ना। तो देखो करुण श्रृंगार अद्भुत, अद्भुत का मतलब होता है विस्मय, और भय में व्यक्ति कभी हंस नहीं सकता तो भयानक हास। इसके बाद इनको साथ में याद कर लो, वीर रापे खत्म हुआ तो रौद्र और विभत्स, वीर रौद्र विभत्स, ठीक है, इनकी स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। तो श्रृंगार का होता है रति, करुण का होता है शोक, और अद्भुत का होता है विस्मय, वीर का होता है उत्साह, रौद्र का होता है क्रोध, विभत्स का होता है जुगुप्सा या घृणा, है ना। और इसके बाद जो जो बचा होगा भयानक का होता है भय, और हास का होता है हास। आपको याद किसके करने हैं, जो कंफ्यूजन हो सकती है वो एक तो बस ये है, अद्भुत का विस्मय, और वैसे ये भी हो जाएगा, बस ये है सबसे टफ। विभत्स का क्या होता है, ये पूछा भी बहुत जाता है, घृणा या फिर जुगुप्सा, ठीक है। तो एक इसने बताए थे, ये आठ रस बताए थे भरत मुनि ने, नवरस मैंने बोला था, किसने बोला था, जगन्नाथ ने, कौन सा था वो, शांत रस। तो शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो आप, जगन्नाथ ने नवरस बोला है जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, विश्वनाथ ने वात्सल रस बोला है दस वर्ष जिसका स्थायी भाव है वत्सल या इसने, ठीक है। अब याद रखना कैसे याद करोगे, किसने क्या बोला, देखो यहाँ पे वासी है वात्सल और वासी है विश्वनाथ, तो ये याद हो जाएगा आपको, विश्वनाथ ने वात्सल रस बताया है, कौन सा, दसवें नंबर का, और जगन्नाथ ने शांत रस बताया है। तो ऐसे याद कर लो कि जगत में सारे लोग शांत रहते हैं, ठीक है, विश्वनाथ ने वात्सल बताया है, रूप गोस्वामी ने मधुर रस बताया है जिसका है ना, मधुर रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, देव विषयक रति, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, मधुर रस का दूसरा नाम होता है भक्ति रस, ठीक है, और मनु वैज्ञानिकों ने रसों की संख्या बताई 14 रस, ठीक है। इस प्रकार आपको मैंने सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है रस के बारे में बता दिया। अब अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आप सॉल्व करोगे, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपसे इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल आता है, बस आपको अपने अंदर इतना फीलिंग लाना है कि उसको देख के आपका फील कैसा हो रहा है, कि आपको क्रोध का भाव आ रहा है, ठीक है, क्या उत्साह जागृत हो रहा है, मैं बोलूँ आपसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसको देख के थोड़ा उत्साह सा आएगा, मतलब वीरस से, ठीक है। यदि मैं बोलूँ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें आपको थोड़ा सा मतलब इसमें दुख भी हो रहा है, लेकिन वियोग श्रृंगार का है ये एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि इसमें बिछड़ने की प्रति दुख है। अगर एक नायक किसी नायिका से बिछड़ गया है और वो दुख हो तो उसे वियोग श्रृंगार की कैटेगरी में रखते हैं, है ना, कि वियोग के कारण दुख है, और वैसे कोई वैसा दुख है तो उसे करुण रस की श्रेणी में रखते हैं, है ना, इसको अंतर ध्यान रखना। तो जो भी है इससे संबंधित जितने एग्जाम्पल है, बस आपको अपने अंदर फीलिंग लाना है कि इसको पढ़ के आपको कैसा फील हो रहा है, दुख हो रहा है या हंसी आ रही है, कुछ भी ऐसा उसमें पंक्तियां लिखी जिसको देख के आपको हंसी आए तो आप क्या बोलोगे, हास्य रस है इसमें, तो दुख हो तो आप बोलोगे करुण रस है इसमें, वियोग हो या संयोग हो, नायक नायिका के बारे में कुछ भी हो तो या तो संयोग श्रृंगार होगा या फिर वियोग श्रृंगार होगा, ठीक है। कोई अद्भुत आश्चर्य वाली बात हो तो आप क्या बोलोगे, इसमें तो क्या, कौन सा रस है इसमें, अद्भुत रस है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी है स्थायी भाव आपको ध्यान करना है, स्थायी भाव से आप रस तक पहुंचाओगे। तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं मेरा, और समझ में अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, शेयर कर दोगे तो कम से कम और लोगों के पास पहुंच जाएगा मेरा वीडियो, और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।